सो हेलो एंड वेलकम। तो आज हम लोग इस वीडियो में देखने वाले हैं कक्षा 10वीं का विज्ञान का अध्याय 2, उसका जो है सेकंड वीडियो। तो इसके पहले वाले वीडियो में हमने क्या क्या था, अम्ल क्या होता है, क्षार क्या होता है, सूचक क्या होता है, गंधी सूचक क्या होता है, ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है। तो अगर आप सीधा सेकंड वीडियो को देख रहे हो तो पहले मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि आप इसका पहला वाला जो वीडियो है उसको जाकर देखें, ताकि आपको थोड़ा सा बेस बन जाए और आप आगे के वीडियोस को क्या कर सको, अच्छे से जो है समझ सको। तो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं क्षारक अधातु ऑक्साइड के साथ कैसे अभिक्रिया करते हैं। मतलब जो क्षार होते हैं वो जो है धात्विक अधात्विक ऑक्साइड के साथ जो है कैसे क्रिया करते हैं और क्या क्या हमें बनाकर जो है देते हैं। तो देखते हैं, कार्बन सल्फर आदि अधातुएं ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड सल्फर डाइऑक्साइड आदि का निर्माण करती हैं। क्षारक इन अधात्विक ऑक्साइड के साथ क्रिया करके लवण तथा जल बनाते हैं। ये चीज आपको ध्यान रखना है। मतलब कोई भी अधात्विक ऑक्साइड अगर है, अगर उसको हम लोग क्षार के साथ क्रिया कराते हैं तो हमेशा क्या बनेगा, लवण और जल जो है हमेशा बनेगा। इसका एक एग्जाम्पल देख सकते हैं कि मान लेते हैं कि हम लोग क्या करते हैं, सल्फर डाइऑक्साइड को लेते हैं 1 मोल और इसके साथ जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड। सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या है, एक क्षारक है। रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए हम लोग यहाँ पर 2 मोल जो है क्या करते हैं, सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं और जब हम लोग इन दोनों का रिएक्शन कराते हैं तो क्या मिलता है, Na2SO3 सोडियम सल्फाइड मिलता है और यहाँ से जल जो है क्या होता है, 1 मोलिक्यूल जल जो है इसका फॉर्मेशन जो है होता है। तो आपको ये वाला याद रखना है कि कोई भी अधात्विक ऑक्साइड अगर है, अगर वो क्षार के साथ अभिक्रिया कर रहा है तो वो हमेशा हमें क्या देगा, लवण और जल ही जो है क्या करेगा, हमेशा जो है वो देगा। चलो आगे बढ़ते हैं। इसके बाद आगे है कि अगर मान लेते हैं कि अम्ल और क्षार अगर आपस में अभिक्रिया करते हैं तो क्या होगा, ये आपको एग्जाम में पूछा जा सकता है क्योंकि यहां से हम लोगों को एक कंसेप्ट मिलेगा, एक कंसेप्ट की जानकारी मिलेगी। सो देखो, जब भी कोई अम्ल या कोई क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो हमेशा बनता है एक लवण बनता है और क्या बनेगा, यहाँ से जल जो है यहाँ से हमेशा जो है बाहर निकलेगा। अब जैसे एक एग्जाम्पल आपको मैं समझा देता हूँ, जैसे अम्ल है तो अम्ल में हम लोग ले लेते हैं हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लेते हैं और क्षार में जो है हम लोग ले लेते हैं सोडियम हाइड्रोक्साइड को लेते हैं। जब ये दोनों आपस में रिएक्शन करेंगे तो हम लोगों ने अभी देखा कि अम्ल और क्षार के रिएक्शन से क्या क्या बनता है, एक तो लवण बनेगा और दूसरा क्या बनेगा, जल बनेगा। ठीक है, तो यहां से हमें क्या मिलेगा, NaCl प्लस वाटर जो है यहां से जो है बाहर निकलेगा। एक बार देख लेते हैं रिएक्शन बैलेंस है कि नहीं, तो आंसर है हाँ, रिएक्शन जो है हमारा बैलेंस है। ठीक है, अब एक इसके लिए जो है हम लोग एक क्रियाकलाप समझते हैं और इसके बाद जो है फिर इसी रिएक्शन पर वापिस आएंगे। देखो तो क्रियाकलाप 5, एक परख नली में 20 बूंदे तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल की लेकर 1-2 बूंद फिनोप्थेलिन डालिए। मतलब हम लोगों को क्या करना है, 20 ड्रॉप्स जो है हाइड्रोक्लोरिक एसिड को लेना है और उसमें 1-2 बूंद हम लोगों को किसका डालना है, फिनोप्थेलिन का जो है हम लोगों को डालना है। परख नली को हिलाते हुए उसमें ड्रॉपर की सहायता से बूंद बूंद कर तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन तब तक डालें जब तक विलयन का रंग हल्का गुलाबी ना हो जाए। और जिस परख नली में हम लोग हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिए हैं उसमें हम लोग ड्रॉप ड्रॉप जो है क्या डालेंगे, सोडियम हाइड्रोक्साइड को जो है धीरे धीरे डालते जाएंगे और तब तक डालेंगे जब तक उसका रंग जो है हल्का गुलाबी ना हो जाए। ठीक है, मतलब ये है कि एक परख नली हमने लिया, इस परख नली में पहले जो है हम लोगों ने किसको डाला, इसमें जो है हम लोगों ने HCl को डाला और 1-2 बूंद इसमें हम लोगों ने किसको डाल दिया, फिनोप्थेलिन को जो है डाला। फिर इसमें क्या करेंगे हम लोग, ड्रॉपर की सहायता से जो है इस पर क्या करेंगे, ड्रॉपर की मदद से इस पे जो है हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड मतलब NaOH के बूंदों को हम लोग इसमें डालते जाएंगे और इस परख नली को हिलाते रहेंगे। ठीक है, और तब तक इसमें ड्रॉपर की सहायता से सोडियम हाइड्रोक्साइड को जलेंगे जब तक इसका रंग परिवर्तन ना हो जाए। अब यहाँ पर देखो क्या है, विलयन के रंग में परिवर्तन का कारण क्या है। आपको विलयन का जो रंग है, पहले हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का कुछ रंग रहा होगा लेकिन जब हम लोग इसमें सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं ना तो उसके बाद एक स्थिति ऐसी आती है जहां पर उसका रंग जो है क्या हो जाता है, गुलाबी हो जाता है, पिंक कलर हो जाता है। ठीक है, तो इसके पीछे का कारण क्या है, जिससे कि इसमें पहले क्या है, 20 बूंदे जो है क्या है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है,
सोडियम हाइड्रोक्साइड जब हम लोग डालते जाते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो क्या करते हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ जो रिएक्शन करते जाते हैं, और जैसे ही सारा का सारा सोडियम, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड का सारा मॉलिक्यूल सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कंप्लीट कर लेता है, फिर उसके बाद जो भी हम लोग एक्स्ट्रा इसमें बूंद डालते हैं, जो अधिक बूंद डालते हैं, वही बताता है कि हम लोगों को कि अब ये जो अभिक्रिया है पूर्ण हो गया है। इसके बाद और जो है सोडियम हाइड्रोक्साइड जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के साथ जो है रिएक्शन नहीं कर पाएगा। मतलब ये है कि जैसे मान लेते हैं कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड की कितनी बूंदें हैं, 100 मॉलिक्यूल हैं, 100 अणु हैं इसमें, ठीक है, किसके, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल के। जैसे जैसे हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड को डालेंगे तो पहला एक अणु, फिर दो अणु, फिर 50, फिर 60, फिर 70, फिर 80, फिर 90, फिर 100। तो जब 100 के 100 हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 100 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ रिएक्शन कर लेंगे तो अब एक भी अणु जो है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का नहीं बचेगा। तो जब आप इसमें 100 बूंद क्या डाल दिया, 100 अणु क्या डाल दिए सोडियम हाइड्रोक्साइड का, जैसे इसके बाद आप इसमें एक बूंद एक्स्ट्रा डालोगे, मतलब 101वां जो है बूंद यहां पर जब आप डालोगे तो उसका रंग गुलाबी हो जाएगा, और वो गुलाबी रंग ये बताता है कि अब इसके बीच में कोई अभिक्रिया नहीं हो सकती, मतलब अभिक्रिया पूर्ण हो चुकी है। तो इसका कारण क्या है, अभिक्रिया पूर्ण हो गई है, ठीक है। पीला कलर होने का क्या है, अभिक्रिया पूर्ण होने का संकेत, पूर्ण होने का ये संकेत जो है हम लोगों को दे रहा है। इस रिएक्शन को हम लोग पहले ही देख चुके हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड का एक मॉलिक्यूल जो सोडियम हाइड्रोक्साइड, तो NaCl बनेगा जो कि हमारा लवण है, और यहां से पानी एक बूंद जो है बनेगा। अम्ल में क्षार की एक बूंद डालने पर वह अम्ल के कुछ अणुओं से क्रिया कर लवण और पानी बनाता है। जब हम लोग अम्ल में क्या करते हैं, क्षार का कुछ बूंद डालते हैं, तो क्या करता है, अम्ल के अणुओं के साथ क्रिया करके जो है लवण और पानी बनाता है। यह क्रिया उदासनीकरण कहलाती है। यह आपका परिभाषा एग्जाम में आपसे पूछा जा सकता है कि उदासनीकरण जो है क्या होता है। तो जब अम्ल और क्षार आपस में क्रिया करते हैं तो लवण और पानी बनता है, यह क्रिया जो कहलाता है वह उदासनीकरण कहलाता है। इस प्रकार क्षार अम्ल के साथ अभिक्रिया करता जाता है। जब अम्ल के सारे अणु क्षार के साथ अभिक्रिया कर लेते हैं तब विलयन उदासीन हो जाता है। मतलब वही कि 100 के 100 अगर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल 100 सोडियम हाइड्रोक्साइड के साथ क्रिया कर लेते हैं तो उस समय वो क्या कहलाता है, उदासीन हो जाता है। इसके पश्चात क्षार की एक और बूंद डालते ही विलयन का रंग गुलाबी हो जाता है। अब बताइए इस विलयन की प्रकृति क्या होगी। तो अब जैसे उसमें हम लोग क्या करते हैं, एक बूंद एक्स्ट्रा डालते हैं, तो उसके कारण से अब उसका रंग जो होता है वो क्या हो जाता है, उसका रंग जो है अब गुलाबी हो जाता है, ठीक है। अब गुलाबी हो जाएगा, उसके बाद उसकी प्रकृति विलयन की कैसी हो जाएगी, पहले तो उदासीन हो गया था, उदासीन के बाद एक बूंद और डालेंगे तो उसकी प्रकृति अब कैसी हो जाएगी, क्षारक की प्रकृति जो है हो जाएगी, ठीक है। किसकी प्रकृति हो जाएगी, क्षारक की प्रकृति हो जाएगी। अब यहां पर प्रश्न दिया, देखो पहला है, धातु की तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से होने वाली अभिक्रिया को एक उदाहरण से समझाइए। मतलब हम लोगों को हाइड्रोक्लोरिक अम्ल और एक धातु का जो है क्या कराना है, अभिक्रिया कराना है, ठीक है। तो करा देते हैं एक अभिक्रिया, जैसे हम लोग जो है HCl और कैल्शियम, कैल्शियम के साथ रिएक्शन करा देते हैं, तो क्या बनेगा, देखो यहां बनेगा कैल्शियम क्लोराइड बनेगा CaCl2, और यहां से हाइड्रोजन गैस बाहर निकलेगा, ठीक है। तो अभी सभी क्रिया को संतुलित करने के लिए हम लोग यहां पर दो मॉलिक्यूल लगा देते हैं, तो क्लोरीन हो गया दो मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन हो गया दो मॉलिक्यूल। तो ये इसका पहला वाला क्वेश्चन का उदाहरण है। उसके बाद आगे देखो सेकेंड क्वेश्चन है, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, इसका फॉर्मूला क्या होगा, CaHCO3 ट्वाइस, ये है आपका कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। इसको हम लोगों को रिएक्शन करवाना है किसके साथ, HCl के साथ। तो जब आप अभिक्रिया कराएंगे तो यहां पर आपको मिलेगा कैल्शियम क्लोराइड मिलेगा फिर से, ठीक है, जिसको विरंजक चूर्ण के नाम से भी जाना जाता है, प्लस यहां पर H2O मिलेगा, प्लस यहां पर जो है CO2 मिलेगा। अब अभिक्रिया को आप संतुलित करने के लिए जो है यहां पर दो मॉलिक्यूल लगा दो, तो हाइड्रोजन हो जाएगा 4 और ये भी हो जाएगा 2। तो आप देख सकते हैं कि अब हमारा अभिक्रिया कैसा है, संतुलित है। आगे है, अधात्विक ऑक्साइड की प्रकृति अम्लीय होती है, उदाहरण दीजिए। जब हम लोग पानी के साथ घोलते हैं तो घुल जाता है, तो यही तो सबसे बड़ा उदाहरण है ना, ठीक है। चलो अब आगे देखते हैं,
क्या अम्ल और क्षार विद्युत का चालन करते हैं? मतलब अगर हम लोग अम्ल लेते हैं एक बर्तन में और या क्षार लेते हैं एक बर्तन में और उसमें विद्युत धारा प्रवाहित करने की कोशिश करते हैं, तो क्या विद्युत धारा प्रवाहित होगी या नहीं होगी, इसके बारे में हम लोग जो है समझते हैं। फिर एक क्रियाकलाप को करते हैं, क्रियाकलाप को करने से आपके आपको समझ में ज्यादा अच्छे से जो है आएगा। देखो क्या करना है, 100 ml का एक बीकर लेकर उसमें 50 ml तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लें। हम लोगों को क्या करना है, एक बीकर लेना है और उस बीकर में जो है 100 ml क्या करना है, पानी लेना है और उसमें 50 ml जो है सॉरी 100 ml का बीकर लेना है। बीकर का कैपेसिटी कितने का होगा, 100 ml का होगा। उसमें हम लोग 50 ml क्या डाल देंगे, तनु हाइड्रोक्लोरिक अम्ल जो है हम लोग डाल देंगे। एक रबर कार्क पर 2 अल्पिन लगाकर बीकर में रख दीजिए, जैसा कि चित्र में आपको दिखाया है। एक आपको क्या करना है, रबर का कार्क लेना है और इस पर जो है आपको क्या करना है, 2 अल्पिन जो हम लोग सामान्यतः यूज करते हैं ना कागज को जोड़ने के लिए, 2 पेपर को आपस में अटैच करने के लिए, वही अल्पिन आपको इसके ऊपर में इस तरीके से लगा देना है। चित्रानुसार अल्पिनों को 9 वोल्ट की एक बैटरी, टार्च के एक बल्ब तथा स्विच को तांबे के तार के माध्यम से जोड़ दीजिए। अब इन दोनों पिन को क्या करेंगे, हम लोग तांबे के तार के सहायता से एक बैटरी लेंगे और बैटरी और यहाँ पर एक बल्ब लगा देंगे, एक स्विच लगा देंगे और इनको ये जो परिपथ है विद्युत परिपथ इसको इस तरीके से पूरा कर देंगे। तो क्या बल्ब जला, तो अब हम लोग देखते हैं स्विच को ऑन करेंगे तो क्या बल्ब जलेगा, तो आंसर है हाँ। अगर आप इसको प्रयोग करेंगे तो देखेंगे कि बल्ब जो है क्या होगा, जलेगा। इसी प्रक्रिया को तनु सोडियम हाइड्रोक्साइड विलयन के साथ दोहराए। पहले हम लोग इसमें कौन सा विलयन डाले थे, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले थे। अब हम लोगों को इसमें क्या करना है, क्षार डालना है और क्षार कौन सा होगा, सोडियम हाइड्रोक्साइड। क्या बल्ब अब भी जला, तो उत्तर है हाँ, बल्ब जो है क्या होगा, अभी भी जो है जलेगा। दोनों ही स्थितियों में जो है जलेगा, चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो। तो इससे क्या प्रूफ होता है कि जो अम्ल होते हैं और क्षार होते हैं वो क्या करते हैं, विद्युत का चालन जो है करते हैं। अब क्यों चालन करते हैं इसके बारे में समझते हैं। कक्षा 9वीं में हमने क्रियाकलाप के द्वारा समझा है कि आयनिक यौगिकों के जलीय विलयन में विद्युत धारा प्रवाहित करने पर बल्ब जलने लगता है। इससे यह निष्कर्ष निकलता है कि आयनिक पदार्थ विलयन में अपने आयनों में विभक्त होकर विद्युत चालन करते हैं। इसी प्रकार उपरोक्त क्रियाकलाप में अम्ल और क्षार के विलयन द्वारा विद्युत चालकता यह प्रदर्शित करती है कि अम्ल और क्षार का भी आयनीकरण होता है। तो कक्षा 9वीं में आपने पढ़ा होगा कि कोई भी ऐसा यौगिक या कंपाउंड जो कि आयनिक होता है, आयनिक मतलब वो 2 चीजों से मिलकर बना है, धनात्मक और ऋणात्मक। तो कोई भी विलयन जो इसमें धनात्मक और ऋणात्मक दोनों उपस्थित होंगे, उसमें जब भी हम लोग विद्युत धारा प्रवाहित करेंगे हमेशा क्या होगा, विद्युत धारा उसमें जो है प्रवाहित जो है होगा ही। तो पहले हम लोग क्या डाले थे, पहले हम लोग डाले थे HCl। तो HCl में जब हम लोग पानी डालेंगे ना, तो ये क्या होता है, देखो एक तो बन जाता है H+ और एक बन जाता है Cl-। तो ये हो गया हमारा धनात्मक आयन, ये हो गया ऋणात्मक आयन। उसी तरीके से जब हम लोग सोडियम हाइड्रोक्साइड डालते हैं तो सोडियम हाइड्रोक्साइड में भी दो दो यहाँ पर चिन्ह होते हैं, मतलब 2 प्रकृति वाले होते हैं, एक तो Na+ होता है और दूसरा क्या होता है, Cl- होता है। तो इसी को हम लोग आयनीकरण जो है बोलते हैं, ठीक है। तो जब भी कोई विलयन लेंगे जिसमें धनात्मक और ऋणात्मक आयन उपस्थित होंगे, उसमें विद्युत धारा हमेशा प्रवाहित जो है होगा ही। चलिए अब समझते हैं हम लोग आयनीकरण क्या होता है। अम्ल एवं क्षारों के जलीय विलयन के व्यवहार को समझने का प्रयास समय समय पर कई वैज्ञानिकों ने किया। मतलब अम्ल और क्षार जो है जल के साथ कैसा व्यवहार करेंगे, इसको समझने के लिए बहुत सारे वैज्ञानिकों ने बहुत सारे अपने अपने स्तर पर क्या किए, बहुत सारे जो है प्रयोग किए। उसी में से एक वैज्ञानिक का नाम है अहर्नियस। उसने 1884 में अपने अवलोकनों के आधार पर कहा कि अम्ल और क्षारों में कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। और उसी में एक वैज्ञानिक है जिसका नाम है आरेनियस, ठीक है, जिन्होंने जो है 1884 में बहुत सारा प्रयोग किया और अपने प्रयोग के आधार पर उन्होंने कहा कि अम्ल और क्षार में क्या होते हैं, कुछ विशिष्ट गुण होते हैं। वो गुण क्या होते हैं, उनके अनुसार अम्ल एक ऐसा अणु है जो कि जलीय विलयन में धनावेशित हाइड्रोजन आयन तथा ऋणावेशित आयन में वियोजित होता है। तो उन्होंने कहा कि जो अम्ल होता है जब हम लोग उसको पानी में घोलते हैं तो वो क्या होता है, धनात्मक आयन और ऋणात्मक आयन में क्या हो जाता है, वियोजित हो जाता है। इसी प्रकार क्षार जलीय विलयन में ऋणावेशित हाइड्रोक्साइड आयन और धनावेशित आयन में वियोजित होता है। तो उन्होंने कहा कि चाहे आप अम्ल लो चाहे क्षार लो, जब आप उसको पानी में डालते हैं ना, तो एक हमेशा धनात्मक होगा एक हमेशा ऋणात्मक होगा। जैसे ये देखो यहां पर
H2SO4 सल्फ्यूरिक अम्ल। सल्फ्यूरिक अम्ल भी क्या होगा, एक धनात्मक और एक ऋणात्मक टूटेगा। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड देखो ये भी धनात्मक और ऋणात्मक पर जो है क्या होता है, यहाँ पर इस तरीके से ब्रेक हो जाता है। तो ये इनका विशिष्ट गुण होता है कि चाहे अम्ल हो चाहे क्षार हो, एक हमेशा धनात्मक एक हमेशा ऋणात्मक आयनों में क्या होता है, टूट जाता है। आयनीकरण मुख्यतः पदार्थ की विलयन में सांद्रता और उसमें आयनों में विभाजित होने की क्षमता पर निर्भर जो है करता है। मतलब आयनीकरण जो होता है वह किस बात पर निर्भर करता है कि आपकी सांद्रता कितनी है, मतलब आप जो पदार्थ जो ले रहे हो उसमें जो है अम्ल और क्षार की मात्रा कितनी ज्यादा है। उसी तरीके से क्या होगा, जैसे मान लीजिए आपने क्या किया, दो बीकर लिया, मैं आपको आराम से समझाता हूँ इस लाइन का मतलब क्या है। आपने दोनों में क्या किया, 100 ml पानी डाला, इसमें भी 100 ml पानी डाला, दूसरे वाले में भी आपने क्या किया 100 ml जो है पानी डाला, ठीक। अब इसमें क्या कर रहे हैं आप, 60 ml जो है क्या कर रहे हैं, हाइड्रोक्लोरिक एसिड डाल रहे हैं और इसमें जो है 20 ml हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाल रहे हैं। तो हम लोग बोलेंगे कि ये जो ए और बी में से किसकी सांद्रता ज्यादा है, तो हम लोग बोलेंगे कि ए की सांद्रता क्या है, बी की सांद्रता से ज्यादा है। तो जितना ज्यादा सांद्रता होगा उतना ही ज्यादा क्या होगा, आयनीकरण जो है होगा, ठीक है। चलिए थोड़ा सा हम लोग जो है क्या करते हैं, ये जो स्वांते अगस्त अहर्नियस है इसके बारे में थोड़ा सा जो है हम लोग पढ़ लेते हैं। वे स्वीडन के वैज्ञानिक थे, वो कहां के थे, स्वीडन के रहने वाले थे। उन्होंने जलीय विलयनों में आयनिक पदार्थों की विद्युत चालकता को समझाया। अब इन्होंने क्या किया कि जो भी जलीय विलयनों में जो है जो आयनिक यौगिक होते हैं या आयनिक पदार्थ होते हैं उसमें विद्युत धारा क्यों प्रवाहित होती है, किसके कारण से होती है, ये सब बातों को इन्होंने जो है अपने प्रयोग किया और उन्होंने जो है समझाया। उन्होंने सुझाव दिया कि आयनिक पदार्थ जलीय विलयन में अपने अव्ययी आयनों में विभक्त हो जाते हैं तथा यही आयन विद्युत का चालन करते हैं। तो इन्होंने कहा कि जो भी जलीय विलयन में जब हम लोग किसी अम्ल या क्षार को डालते हैं ना, तो अम्ल और क्षार क्या होते हैं, अपने यौगिकों में या अपने आयनों में क्या हो जाते हैं, विभक्त हो जाते हैं। एक धनात्मक होगा और एक हिस्सा ऋणात्मक होगा, और यही धनात्मक और यही ऋणात्मक जो होता है वो विद्युत धारा का क्या करते हैं, प्रवाह करने में जो है मदद करते हैं। उन्होंने अम्ल और क्षार के गुणों को H+ और OH- आयन के बनने के आधार पर समझाया। सन 1903 में उन्हें नोबेल पुरस्कार से सम्मानित किया गया। देखो एक तो हम लोग अम्ल और क्षार का पहचान कैसे किए हैं, लिटमस पेपर के आधार पर किए हैं या अलग अलग गंधीय सूचकों के आधार पर किए हैं। तो अहर्नियस ने क्या किया था, अम्ल और क्षार की पहचान करने के लिए उन्होंने एक नया तरीका बताया था कि अगर आप किसी भी पदार्थ को, ठीक है, अगर आप उसको पानी में डाल रहे हैं और पानी में डालने के बाद अगर वो आपको H+ आयन देगा, मतलब हाइड्रोजन प्लस आयन देगा, इसका मतलब वो पदार्थ क्या होगा, अम्ल होगा। एक नया तरीका मिल गया हम लोगों को, ठीक है, मिला कि नहीं। तो वो पदार्थ हमेशा क्या होगा, एक अम्ल होगा। उसी तरीके से अगर आप पदार्थ को किसी पानी में या एक किसी भी पदार्थ को पानी में डाल रहे हैं और वहां पर आपको क्या मिल रहा है, ऋणात्मक आयन मिल रहा है, मतलब वो क्या होगा, क्षार होगा। तो अम्ल और क्षार को पहचानने का नया तरीका जो है अहर्नियस ने बताया कि पानी में डालो, पानी में डालने के बाद धनात्मक मिलेगा तो अम्ल है, ऋणात्मक मिलेगा तो क्या है, क्षार है। इसीलिए इनके जो है इस काम के कारण जो है उनको 1903 में क्या किया गया था, नोबेल पुरस्कार से जो है सम्मानित जो है किया गया था। क्या सभी यौगिक जिनमें हाइड्रोजन है क्या वे अम्ल है, मतलब अब हम लोगों को क्या करना है कि इनके अनुसार जो है जिस भी यौगिक में या जिस भी पदार्थ में हाइड्रोजन होगा वो H+ तो बनाएगा ही। तो क्या कोई भी यौगिक जिसमें हाइड्रोजन होता है क्या हम लोग उसको आंख बंद कर अम्ल है करके बोल सकते हैं क्या? तो इसको हम लोग समझते हैं फिर से एक क्रियाकलाप से, क्योंकि बहुत सारे यौगिक ऐसे होते हैं जिसमें हाइड्रोजन होता है। तो क्या सभी हाइड्रोजन होने वाले यौगिकों को अम्ल के नाम से जाना जा सकता है क्या? इसके लिए हम लोग समझते हैं और एक क्रियाकलाप साथ करते हैं। एक 100 ml बीकर में 50 ml ग्लूकोज विलयन लेकर उपकरण को क्रियाकलाप 6 के अनुसार दर्शाए हुए व्यवस्थित करें। मतलब जैसे यहां पर हम लोगों ने क्या किया था, ये देखो एक क्रियाकलाप किया था ना यहाँ पे, जिसमें हम लोगों ने एक बीकर लिया था जिसमें 50 ml एक बार हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाले थे, फिर सोडियम हाइड्रोक्साइड डाले थे, दो आल्पिन लगाकर बैटरी बल्ब स्विच लगाकर इसको देखे थे। अब इस विलयन को हम लोगों को पहले HCl डाले थे, फिर हम लोगों ने क्या डाला, NaOH डाला। अब हम लोगों को इसमें क्या डालना है, हम इसमें हम लोगों को ग्लूकोज डालना है, ठीक है। ग्लूकोज डालने के बाद हम लोग देखते हैं कि क्या बल्ब जलता है, तो उत्तर है बल्ब जो है हमारा नहीं जलेगा, ठीक है। बल्ब क्या होता है प्रयोग करके देखते हैं, तो बल्ब जो है नहीं जलता है।
क्रियाकलाप 6 में तनो हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिए जाने पर बल्ब का जलना यह इंगित करता है कि HCl के आयनन के पश्चात H प्लस आयन बनते हैं। जब हमने हाइड्रोक्लोरिक अम्ल डाला था तो बल्ब जला था, इसका मतलब उसमें H प्लस आयन बना। जबकि ग्लूकोस विलयन में H प्लस आयन नहीं बनते। जब हम लोगों ने ग्लूकोस को डालकर देखा कि बल्ब जलता है कि नहीं, तो उस समय देखा कि बल्ब जो है नहीं जलता है। अतः यह आवश्यक नहीं है कि ऐसे सभी यौगिक जिनके रासायनिक सूत्र में हाइड्रोजन होता है वे अम्ल ही होते हैं। तो यहाँ पर आपको समझ में आया कि ऐसा कोई बात जरूरी नहीं है कि किसी भी पदार्थ में या किसी भी यौगिक के जिसका रासायनिक सूत्र में जो है अगर मान लेते हैं कि हाइड्रोजन उपस्थित है तो वो हमेशा अम्ल ही होगा, ऐसी कोई बात नहीं है। जैसे ग्लूकोज, ग्लूकोज जो होता है C6H12O6, तो इसका फॉर्मूला होता है जनरल फॉर्मूला, तो इसमें हाइड्रोजन प्रेजेंट है, इसका मतलब ये नहीं कि ये अम्ल होगा। इसी तरीके से कई और भी यौगिक होते हैं जिनमें जो है क्या होगा, अगर हाइड्रोजन उपस्थित है इसका मतलब जो है वो अम्ल ही होगा, आप ऐसा जो है नहीं कह सकते। ये आपका प्रैक्टिकल के वाइवा में जो है पूछा जा सकता है कि आपको ये बोला जाएगा कि क्या कोई एक क्या हाइड्रोजन कोई भी यौगिक है जिसमें हाइड्रोजन उपस्थित है तो क्या हम लोग उसको अम्ल कह सकते हैं। तो आप कॉन्फिडेंस के साथ बोलिए कि किसी भी यौगिक में अगर हाइड्रोजन उपस्थित है तो ये जरूरी नहीं है कि वो हमेशा अम्ल ही होगा। उसको पहले हम लोगों को चेक करना पड़ेगा या तो लिटमस की सहायता से या तो फिर हम लोगों को अहर्नियस के द्वारा दिए गए सिद्धांत के अनुसार पानी डालकर हम लोगों को उसमें चेक करना पड़ेगा, तब हम लोग बता पाएंगे कि हाँ ये अम्ल है या नहीं है। ठीक है, तो इस वीडियो में हम लोग यहीं तक देखेंगे। अगले वीडियो में जो है हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट टॉपिक को जो है हम लोग यहां पर पढ़ना चालू करेंगे। सो आपसे एक छोटा सा अगेन रिक्वेस्ट है कि अभी अभी जो है हिंदी मीडियम के लिए वीडियोस अपलोड होना चालू हुआ है, तो आप जो है अपने दोस्तों के बीच में इसको शेयर करिए। ठीक है, आपके लिए डेली वीडियोस आते रहेंगे। अगर आपका कोई सजेशन है जो आप देना चाहते हैं तो आप नीचे कमेंट्स करके जो है क्या कर सकते हैं, बता सकते हैं। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।